ईडी पहुंची है, घर के अंदर टीम की कार्रवाई जारी है, दो तीन अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो ये जानकारी मिल रही है टीकमगढ़ से, जहां पर कांग्रेस विधायक के घर पर, यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर छापा पड़ा है ईडी का, और घर के अंदर टीम की कार्रवाई जारी है, दो से तीन अलग अलग एजेंसियों के जांच की बात निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यादवेंद्र सिंह बुंदेला जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके घर पर ये छापा पड़ा है, दो से तीन अलग अलग एजेंसियों के जांच करने की बात निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, राजीव रावत हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। राजीव बताएं, क्या जानकारी है इस छापे को लेकर? देखिए, जो बताया जा रहा है कि ईडी की टीम है और अलग अलग एजेंसियां हैं जो यादवेंद्र सिंह बुंदेला के अंदर घर के अंदर मौजूद हैं, और छापामार कार्रवाई आज सुबह इन्होंने की है और यह कार्रवाई अभी भी चल रही है। और इस मामले में को लेकर, जैसा कि हमारे जो टीकमगढ़ एसपी हैं उनका कहना है कि अभी फिलहाल इस मामले में कहना संभव नहीं है कि कौन सी टीमें हैं, तो कुछ देर बाद वो ब्रीफ करेंगे कि किस मामले को लेकर आए थे। यह भी बताया जा रहा है कि असम की टीम है और जो पहले भी यह टीम आई थी और उनके जो बेटे हैं शाश्वत सिंह गुंदेला, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले जांच की जा रही थी, उसी मामले को लेकर यह भी जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ईडी की टीम भी यहां पर मौजूद है। हालांकि मीडिया कर्मियों को वहां जाने से रोक दिया गया है और जो सुरक्षा कर्मी हैं बाहर तैनात हैं, वहां मीडिया की टीम को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। राजीव, यादवेंद्र बुंदेला कहां है इसको लेकर कोई जानकारी? क्या वो घर के अंदर मौजूद है? बुंदेला फिलहाल घर पर ही मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि वो अंदर मौजूद हैं और जो टीम है वो लगातार उनके परिजनों और उनसे पूछताछ कर रही है, और जो टीम है वो लगातार, यह भी जैसा कि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि दो तीन अलग अलग टीमें हैं जो लगातार यादवेंद्र सिंह बुंदेला के यहाँ छापामार कार्रवाई कर जांच कर रही हैं, और जांच में कुछ देर बाद स्पष्ट होगा कि हालांकि कौन कौन सी टीमें हैं, कहां कहां की टीमें हैं और किस मामले को लेकर यह जांच कर रही हैं, यह थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, और यहां पर जो अलग अलग एजेंसियों की बात कही जा रही है राजीव, उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन की ईडी के अलावा और कौन कौन सी एजेंसीज हो सकती हैं? देखिए अपर्णा, यह भी सामने आ रहा है कि जो असम की पुलिस है वहाँ वह भी एक टीम हो सकती है, और यह ईडी की जो टीम है वह भी वहाँ पे मौजूद है, और जो टीकमगढ़ के जो एसपी हैं उनका कहना है कि दो तीन अलग अलग एजेंसियां हैं जो अपना काम कर रही हैं और कार्रवाई के लिए यहाँ पे आई हैं, बाहर की पूरी पुलिस यहाँ पे फोर्स मौजूद है और जो पूरे जो बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं, तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने से मना कर रहे हो, तो घर के अंदर जो कार्रवाई है तो वो जो टीम के अधिकारी मौजूद हैं और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, तो उन्हीं से जो पूछताछ कर रही है और कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टीमें कहाँ की हैं और कैसी आई हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो स्थानीय पुलिस मौजूद है, जो टीकमगढ़ के जो पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पे ईडी की टीम जो है वो मौजूद है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो मौजूद हैं, लेकिन राजीव एक पुराने मामले को लेकर अब ठीक है, राजीव लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिनव जी, क्या जानकारी है आपको, आपके विधायक के यहाँ छापा पड़ा है? जी, मुझे भी आपके द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से, और जो भी वहाँ कार्रवाई हो रही है वो आप भी देख रहे हैं और हमें भी पता चल रही है आपकी न्यूज टीम के माध्यम से जी, और आगे जो जानकारी प्राप्त होगी वो सबके सामने रहेगी कि क्या क्यों छापा पड़ा है, क्या कारण है अचानक से ये, कहा कि असम की पुलिस की जानकारी मिल रही है कि आसाम से पुलिस आई है। हाँ। तो इसके आगे की जानकारी तो शायद आपके माध्यम से मिल पाए, मीडिया ज्यादा सजग रहती है। तो यादवेंद्र सिंह बुंदेला के वहां होने की जानकारी है आपके पास कि वो घर पर ही है या कहीं और है, इस तरह की कोई जानकारी? ऑब्वियस ही बात है, वो घर पर होंगे या
जो भी है, मुझे इसकी जानकारी तो खैर प्राप्त नहीं हुई है जी जी, लेकिन जो भी है वहाँ पर सभी पुलिस अधिकारी भी है, पुलिस बल भी है, भारी तादाद में पुलिस भी है, ये जानकारी चैनल के माध्यम